रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? आज मैं आपको अपने चैनल साइबर टिप्स एंड डिज़ाइंस में खुश आमदीद कहती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शीर खुरमा की रेसिपी जो है वो शेयर कर रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, मेरी रेसिपी पसंद आती है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये बिल्कुल फ्री है और ये इससे हमारी जो है हौसला अफजाई होती है, हम मोटिवेट होते हैं। प्लीज़ फ्रेंड्स, चैनल्स को सब्सक्राइब कर दिया करें और शेयर भी किया करें। और आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है हमें शीर खुरमा के लिए जो है वो दूध चाहिए होता है। तो ये 1.5 लीटर जो है वो फुल फैट दूध है। बलाई मैंने नहीं उतारी, दूध को जब बॉयल करते हैं उसके ऊपर जो बलाई आती है ना, वो मैंने नहीं उतारी, वो उसके अंदर ही है। तो इसको हम जो है वो सबसे पहले जो है उसको गर्म करने के लिए रखेंगे। दूध गर्म करने के लिए हमने रख दिया। अब हम इसमें थोड़ी सी चीज़ें मिलाएंगे। 1/2 टीस्पून के करीब जो है वो इलायची पाउडर, ये 2-3 जो है वो मैंने ड्राई डेट, ड्राई खजूर जिसको हम छुहारे भी बोलते हैं, 3-4 ये शीर खुरमा में बहुत अच्छे लगती हैं, ये जो है 4 लिए थे, इसको मैंने छोटा छोटा करके काट लिया है। और ये ड्राई कोकोनट है, खोपरा जिसको बोलते हैं हम लोग, तो ये 2 टेबल स्पून के करीब ये है, ये भी हम दूध में शामिल कर देंगे और दूध को जो है वो बॉयल आने तक पकने देंगे। जी तो फ्रेंड्स, हमारा दूध जो है वो दूसरी साइड पे बॉयल हो रहा है, पक रहा है। उतनी देर हम जो है वो अपना दूसरा प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। ये 1 टेबल स्पून के करीब मैंने जो है वो खालिस देसी घी जो है वो लिया है। इसमें अब हम अपने जो है ड्राई फ्रूट स्टोर्स करेंगे। ये 15 ग्राम के करीब काजू है, 15 ग्राम ही पिस्ता है, और 10-15 जो है वो हमारे पास बादाम थे जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है, और ये किशमिश है। थोड़ी सी मैं जो है वो गार्निश के लिए रखूँगी। इसको आपने जो है वो लाइट आंच के ऊपर जो है आग के ऊपर इसको आपने रोस्ट करना है। तीन चार मिनट बस जब अच्छी सी प्यारी सी ड्राई फ्रूट्स की खुशबू आने लगे तो फिर आपने इसको बस उतार लेना। 2-3 मिनट आपने इसको जो है वो हल्की आंच पे और रोस्ट करना है। ज़रा तेज आंच नहीं करनी, ये ना हो ये जल जाए और आपका जो है वो शीर खुरमा खराब हो जाए। जब तक ये रोस्ट हो रहे हैं आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस किया करें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप ड्राई फ्रूट अपनी मर्जी से कम ज़्यादा कर सकती हैं, जो आपको नहीं पसंद वो आप स्किप कर सकती हैं, जो आपको पसंद हो वो ज़्यादा डाल लें या जो अवेलेबल हो वो डाल लें। ड्राई फ्रूट रोस्ट हो गए हैं, अब हम इसको एक जो है ड्राई फ्रूट्स जो है वो अब हमने निकाल ली हैं रोस्ट करके। अब 1 टेबल स्पून के करीब हमने घी लिया है, देसी घी है ये। तो आपके पास जो है अगर देसी घी नहीं पसंद तो आप दूसरा भी यूज़ कर सकते हो। इसमें अब हम ये अपनी सेवइयां जो है ये रोस्ट करेंगे, ठीक है। ये मैंने जो है वो एक पैकेट यूज़ किया है, ये वाला पैकेट सेवइयों का, ये फुल एक पैकेट लिया है। अब इसको हल्की हल्की आंच पे इसको रोस्ट करेंगे। इसका कलर चेंज होने तक 2-3 मिनट ही लगेंगे इसको भी रोस्ट होने में। प्यारी सी खुशबू आने लगेगी, लाइट ब्राउन कलर की हो जाएंगी, उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। ये देखो हमारी सेवइयां, सेवइयों का कलर चेंज हो गया है, लाइट गोल्डन कलर के जो है वो हो गया है। अब हम इसको जो है अपने दूध में शामिल करेंगे। ये देखें दूध हमारा जो है वो पक रहा है, बॉयल हो रहा है, इसको 2-3 मिनट हो गए हैं पकते हुए। तो अब हम इसमें जो है अपना सारा रोस्टेड मटेरियल जो है वो शामिल करेंगे। सबसे पहले सेवइयां भून लाएंगे। ये सेवइयां जो है रोस्टेड सेवइयां हमने इसमें डाल दी। अब हम अपने ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो डालेंगे। रोस्ट करने से ड्राई फ्रूट का टेस्ट जो है ना वो बहुत इन्हेंस हो जाता है। अगर आपको रोस्टेड नहीं पसंद तो आप वैसे भी डाल सकते हो, वरना रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स का टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है। ये 1 कप जो है वो शुगर है, चीनी है, वो हम इसमें मिला रहे हैं। आप इसको जो है 1 कप जो है वो इनफ होगा, लेकिन आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चेक करके
कम ज़्यादा चीनी जो है वो कर सकती हैं। अगर आपको कम पसंद है तो आप कम डाल दें, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा पकेगा तो आप इसकी शुगर, इसकी चीनी जो है वो चेक कर लें टेस्ट। अब हम इसको 3-4 मिनट पकाएंगे, 5 मिनट इसके जो है वो ठीक होने तक। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा खीर खुरमा जो है वो तैयार हो चुका है। अब हम जो है वो इसको डिश आउट करेंगे। जब तक मैं इसको डिश आउट करती हूँ, आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। और प्लीज़ जो है कमेंट भी किया करें, अच्छे अच्छे कमेंट करके मेरी हौसला अफजाई करें ताकि मैं अपने चैनल को मज़ीद बेहतर से बेहतर कर सकूँ। तो अभी हम इसको जो है वो डिश आउट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने जो है वो शीर खुरमा जो डिश आउट कर लिया है। तो आप मेरी ये इस रेसिपी से जो है वो आप बना के देखें, अगर आपको अच्छा लगती है तो मेरी जो है वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है, हम अपने काम में मज़ीद बेहतरी लाते हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।